आप देख रहे हैं आज प्रकाश न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मंदीप बाबू। हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी से प्रेसिडेंट प्रेम गर्ग जी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं पार्टी के बारे में। सर आप पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे पार्टी में। सर लगभग 19 तारीख को चुनाव है और चुनाव के लिए कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी तैयारियाँ हो चुकी हैं? हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, हमने सारा क्योंकि हमारा कैंडिडेट था जो वो बहुत पहले डिक्लेयर हो गया था, ये जो कांग्रेस ने कैंडिडेट उसके अंदर ये डिक्लेयर किए, लेकिन हमारा कैंडिडेट क्योंकि बहुत पहले ही डिक्लेयर था इसलिए हमने पहले सारी कॉलोनियों में गांव में और सेक्टरों में डोर टू डोर पूरा कर लेते, जब नॉमिनेशन हमने फैल की तब तक हम सारा एक बार पूरा शहर और गाँव सारा कवर कर चुके, तो इसलिए हम उनसे काफ़ी आगे रहते हैं। चंडीगढ़ से आगे वहाँ दोनों लोग लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनका पार्टी में शामिल होने से कोई पार्टी को लाभ होगा या नहीं? देखो हरमान धवन जी एक जाना पहचाना चेहरा है चंडीगढ़, चंडीगढ़ से एमपी भी रहे हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं और हमेशा पब्लिक के साथ चलते रहे हैं, इसलिए चंडीगढ़ का हरेक जो जन है वो उनको जानता है और इसलिए ही हमने उनको अपना चंडीगढ़ से कैंडिडेट होने दिया, क्योंकि हमें पता था कि इनसे अच्छा कैंडिडेट हमें चंडीगढ़ में कोई नहीं मिल सकता, तो इसलिए हमने उनको सिलेक्ट किया और मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में जो उनकी पहुंच है वो शायद और किसी की नहीं होगी और बहुत उम्मीद है कि चंडीगढ़ से वो सीट ले जाए। यदि जनता चंडीगढ़ से हरमोहन धवन जी को चुनती है तो किस तरह से वो चंडीगढ़ के नजरिए बदलेंगे या चंडीगढ़ को क्या क्या फैसिलिटीज देंगे? देखो आपने जैसे देखा होगा दिल्ली में भी हमारी आम आदमी पार्टी ने तीन चार बेसिक मुद्दों पे काम किया है, जैसे बिजली पानी हेल्थ और एजुकेशन, यही चीजें जो एक आम आदमी की जरूरत है आज की डेट में, वो यही जरूरत है कि उसको अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छी पढ़ाई उसके बच्चों को मिले, अच्छी सेहत का उसका हो, आज किसी बच्चे किसी का कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले उसकी समस्या होती है तो पैसा कहाँ से आएगा, एक गरीब आदमी को कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है उसके बच्चे का कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि वो पैसा कहाँ से लेगा। दिल्ली में हमने ऐसा सिस्टम किया कि आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपके सारे इलाज सब तरह के दवाई सब फ्री है, सो यही चीज़ हम चंडीगढ़ में वही मॉडल दिल्ली वाला लेके आना चाहते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ ये तो बिल्कुल फ्री हो और अच्छी क्वालिटी हो, जैसे दिल्ली में हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से कहीं ज़्यादा अच्छे हो गए और हर एक स्कूल में हर तरह की सुविधाएं हैं, वो मतलब देश के किसी भी अच्छे स्टैंडर्ड के प्राइवेट स्कूल से नहीं बैठ रहे, तो सेम ही है यहाँ पे। आपने देखो दसवीं में 50% से ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, जबकि चंडीगढ़ जैसी जगह पर फेल नहीं होने चाहिए बच्चे, तो इस चीज़ को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि चंडीगढ़ के जो गवर्नमेंट स्कूलों का जो स्टैंडर्ड है वो प्राइवेट स्कूलों से मच बैठ रहा है, जो प्राइवेट स्कूलों में धांधलियाँ बचा रखी हैं फीस के मामले, आपको देखते हर साल उनकी फीसें बढ़ती जाती हैं, वो फीसें रुकनी चाहिए और बच्चों पेरेंट्स को एक्सप्लाइट नहीं होना चाहिए, प्राइवेट स्कूलों पे भी एक तरह से लगाम लगनी चाहिए और गवर्नमेंट स्कूल इतने कंपटीशन में आ जाए उनके कि प्राइवेट स्कूलों को अपनी मनमर्जी करने का मौका, ऐसे ही हेल्थ में है, हेल्थ में चाहे पीजी चाहे 32वें चाहे कहीं चाहे आपको बिना पैसे के इलाज नहीं मिलता, ठीक है ना, तो अब ऐसे गरीब आदमी कहाँ से दवाइयाँ लाएंगे, हमारा ये रहेगा कि कम से कम दवाई जो है और टेस्ट है वो टोटल फ्री हो ताकि एक गरीब आदमी भी यहाँ पे इलाज अपना सुविधापूर्वक करवा सके। चौथा तीसरा और चौथा है बिजली और पानी, बिजली की यहाँ पे रेट आप देखोगे और दिल्ली में रेट देखोगे बहुत ज़्यादा फर्क है, जैसे दिल्ली में हमारा 140 तक 1 रुपया है, यहाँ पे जाते 2-2.5 रुपये पर यूनिट है, तो हमारी कोशिश है कि गरीबों के लिए जो पहले 100-150 यूनिट है वो तो कम से कम सस्ते हो जाए, और ऐसे दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री है यहाँ पे नहीं है, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पे 20,000 लीटर तक के पानी फ्री हो जाए। और तीसरा जो जैसे बीजोर प्रॉपर्टी का है, बीजोर प्रॉपर्टी पे कुछ भी नहीं हो रहा, कितने 20-25 साल से सौरमानसन जी भी लगे हुए हैं, उसी पेड़ भी लगे हुए हैं, लेकिन वही लॉलीपॉप तो मिलते रहते हैं जनता को लेकिन होता कुछ नहीं है, ऐसी नीड बेस्ड चेंजेस है जैसे अभी हाउसिंग बोर्ड की कितने सालों से लड़की आ रही है, तो उसको हम ये कोशिश करें कि वो एक सिस्टम ही बन जाए कि एक मेन फ्रेम के अंदर आके जो लोगों की आज की जरूरत जो जैसे 30 साल पहले जो फ्लैट बनते आज वो उनकी जरूरतें चेंज हो गई, उनके बच्चे बड़े हो गए, उनको इंटरनेट की सुविधा चाहिए, उनको टीवी की सुविधा चाहिए जो कि 30 साल पहले नहीं थी, तो वो सारी फैसिलिटीज उसमें फ्लैट से प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए यही तरीका है कि हम उसके जो नीड बेस्ड चीज है उसको अलाउ करें एज पर भी, जैसे आपका घर है आप हर 10 साल के बाद 5 साल घर को चेंज करते हैं ना, कुछ रेनोवेट करते हैं,
तो फ्लैट वाले को ऐसे कुछ सुविधा होनी चाहिए, तो आपने उसको अच्छे से चेंज कर सके, तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ना उसमें, कि वो अपनी नीड के मुताबिक चेंज कर सके। लेकिन यहाँ पे नहीं है, हर एक चीज के लिए पहले होमिस्ट मिल जाती है। मेरा तो कहना कि चंडीगढ़ को एक थोड़ा इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया जाए, ताकि चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने फैसले ही ले सके। हर एक चीज के लिए होम मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ता है, और वहां पर फैले अटके रहते 20-30 साल से बैठ करेंगे। अब लीजल राइट को ट्रांसफरेबल क्यों नहीं कर देते हैं, कितने सालों से चीज कितने गवर्नमेंट पर रेवेन्यू आता है। अगर आप लीजल राइट को ट्रांसफर ही कर देते शुरू से ट्रांसफरेबल कर देते तो कितना गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता, कितना कैपिटल टैक्स मिलता गवर्नमेंट को। लेकिन नहीं किया, लोग जीपीए के बेस पे चले जा रहे हैं, कितना उसमें लिटिगेशन होती है, लोग कितना परेशान होते हैं। तो ये चीजें हैं। बाकी ग्रीनरी चंडीगढ़ ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी रहने की आप देख रहे हो, जगह जगह टाइले लगाए जा रहे हैं, इवन दरख्तों के आसपास भी टाइले लगे, दरख्तों को कोई भी उसमें पानी की सुविधा नहीं है, कोई हवा की सुविधा नहीं। मैंने एक बार कंप्लेन भी चल के पेटों के आसपास छह बाई छह जगह छोड़ो, ताकि उसमें पानी और हवा तो जा सके ना। पेड़ मारने आप देख रहे हो यहाँ कितनी करप्शन है, ये टाइले और रोड रिकार्पेटिंग कितने बिना रुपए किए जा रहे हैं, और उसका रोड का लेवल बढ़ाए जा रहे हैं। आप उसको रोड को स्क्रैच करके उसके ऊपर बिल्कुल ब्रिक से लेयर लगाओ ना बिटमिन की, ताकि वो जो उसमें पिन हो जाए वो भर जाए और रोड ठीक हो जाए। लेकिन आप हर बार एक डेढ़ इंच के रोड चल चुके, उससे क्या रोड का लेवल बढ़ता है, फिर आप रोड का जब लेवल बढ़ता है तो फिर साइड पे जो आपके बर्न जाए फिर उसको आप चेंज करते हो। अभी आप देखो चंडीगढ़ में आज भी जगह जगह वो कर रखे हैं, हर 2 साल तो चेंज कर देते हो। तो जितना ये पैसा वेस्ट हो रहा है, इसी पैसे से आप एजुकेशन हेल्थ में लगा सकते हो। जैसे कि दिल्ली में आपने देखो 4 साल से हमारा जो है बजट है वो सरप्लस में जा रहा है और कोई नया टैक्स नहीं लगा, ऐसे चंडीगढ़ में तो हो सकता है ना। अच्छा सर, एक सवाल और कि राष्ट्रीय तौर पर लेकर आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है? हमारे तो मुद्दे सेम, वही मैंने बताया, हमारे मुद्दे तो एक है, हमें कोई मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं चाहिए, हमें कोई मुस्लिम हिंदू का मुद्दा नहीं करना। आपने देखा केजरीवाल ने कभी इन चीजों पे बोल ही नहीं किया। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि एक आम आदमी की जो बेसिक सुविधा है वो है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, और हेल्थ एजुकेशन। ये 5 चीजें आप कर देते हो तो बात खत्म हो जाए। फिर आप खुद बताओ, अगर आपको 500 रुपए मिल जाए आपको उससे कहना कि मैं हिंदू मुसलमान हूँ, तो मुद्दे वो तो दिल में हो जाएगा तेरा कुछ। लेकिन आपके बेसिक आपके बच्चे को क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, आपकी पत्नी को अच्छे राशन और वो सब्जी भाजी सही रेट पे मिल जाए, बिजली पानी उसको मिल जाए, और आपको देते हैं ये, अगर आपको सुविधा मिले तो ये रहती। और आम आदमी को यही चीज चाहते हैं, 5 चीजें आप दे दो बस, ठीक है, कुछ तो ये इसी पर हम चाहते हैं। तो चंडीगढ़ में अभी राहुल गांधी जी आए, वो अपनी रैली करने गए, अभी पीछे पीएम मोदी अपने मोदी जी आए, उन्होंने रैली की, लेकिन चंडीगढ़ से अभी तक केजरीवाल जी ने कोई रैली नहीं की है, सो उस पर आपकी क्या राय है? ऐसे हम वो कहते हैं ना, हमारे को छोटे छोटे भी शेर हैं, हमारे मनीष सिसोदिया जी आगे वो भी तो केजरीवाल है ना, तो मनीष सिसोदिया कल आए, बड़ा अच्छा आपने देखा होगा, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हम। और मेरा ख्याल है कि अगर केजरीवाल जी का ठीक है, पंजाब में बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, हम भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, कोशिश करते हैं कि 17 तारीख को आ जाए। अगर आप आते बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, कोई एक नेता के आने से अगर आप सोचते वोटें मिल जाएंगे तो मोदी जी के आने से सारे के सारे चंडीगढ़ मोदी जी के नाम पर वोट दे देगा, ऐसा नहीं होता। ये ठीक है स्टार कंटेनर होते हैं, इससे थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन जो हरमोहन धामी का एक अपना एक पर्सनैलिटी है उसी के नाम से वोट हम तो लेते हैं, आम आदमी पार्टी के नाम से, हरमोहन धामी जी के नाम से। हाँ, केजरीवाल जी हमारे चेहरा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके नाम से कोई बूटे कट रहे। तो क्योंकि वो बिजी है पंजाब में, उनका शेड्यूल में देख रहा था, मेरे को खुद को लगा कि उनको प्रेशराइज करना कोई अच्छा नहीं, 2 दिन रह गए तो इसलिए प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा। 12 तारीख में तो वो दिल्ली में बिजी रहे, तो दिल्ली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो 12 के बाद जैसे दिल्ली का खत्म, 13 से वो आप देख रहे पंजाब में चलते हैं, कल संगरूर में थे, आज भी चल रहे, तो उनका वो शेड्यूल भी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां भी हमारे 13 कैंडिडेट हैं, तो उनको भी तो देखते हैं। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ से आम आदमी के प्रेसिडेंट भयंकर जी, कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ मैं कुलदीप गौतम, अर्थ प्रकाश। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।